खबर रायपुर से, जहां पर अक्सर विवादों में रहने वाला द रेडिएंट स्कूल एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला एक बड़े हादसे से जुड़ा है। मामला 25 फीट की ऊंचाई से गिरी बच्ची का है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती है। दरअसल राजधानी के रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर में लगे रेडिएंट स्कूल में एडवेंचर नाइट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिस्सा ले रही स्कूल की 11 वर्षीय बच्ची कार्तेशा जिल लाइनिंग कर रही थी। इसी दौरान बच्ची के परिवार वाले भी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में बच्ची 25 फीट ऊंचाई पर जिप लाइनिंग करने की तैयारी करती थी। उनका हौसला बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे उन्हें पकड़े हुए लोग छोड़ते हैं, कार्तेशा ढलान से नीचे गिर जाती है। बच्ची के नीचे गिरते ही परिवार वाले चीख पुकार शुरू कर देते हैं। वहां पर हड़कंप मच जाता है। फिलहाल कार्तेशा का इलाज जारी है, वह खतरे से बाहर है, लेकिन हर घटना ने स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा पर बरती गई लापरवाही को उजागर कर दिया है। हादसे की शिकार हुई बच्ची के परिजनों और जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल की प्राचार्य भावना दुबे, निदेशक समीर दुबे और एडवेंचर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। डरो नहीं मम्मी, है ना? एक बार डरो नहीं मम्मी, है ना? और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? पहले चेक नहीं किया गया था कि जिस रस्सी से बांधा गया है, जो सेफ्टी किट है, वो सही है या नहीं है? अब देखिए, इसी तरीके से तो सवालिया निशान जो स्कूल प्रबंधन है और जो एडवेंचर कंपनी है उस पर लग रहे हैं, क्योंकि जिस स्कूल में यह पूरा घटना हुआ है वो स्कूल काफी विवादों से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर जो छात्रों के पालक हैं उन्होंने वहां पर हंगामा किया था, और उस समय ये बातें कही गई थी कि जल्दी ही मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर कल यानी मंगलवार को वहां पर एक एडवेंचर नाइट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी जो छात्र छात्राएं हैं जिसमें पढ़ने वाले हैं वो भाग ले रहे थे। इसी के जरिए जो 11 वर्षीय बच्ची कार्तिका है वो भी जिल लाइनिंग कर रही थी। पूरे वीडियो को देखा जाए तो ये पूरा जो वीडियो है उसकी मम्मी ने ही बनाया है। और जैसे ही कार्तिका वहां पर लाइनिंग में आती है तो उसकी जो माँ है वो उसका हौसला तय करते दिखाई दे रही है, वो आगे आने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही जो वहाँ के एडवेंचर कंपनी के जो लोग हैं, जैसे ही कार्तिका के हाथ को छोड़ते हैं, जैसे ही कार्तिका आगे बढ़ती है, नीचे वो धरान से गिर जाती है। करीब 25 फीट ऊंचाई से वो गिरी है, और अभी फिलहाल एम्स जो राजपुर का एम्स है वहाँ पर इलाज चल रहा है। खतरे से वो बाहर बताई जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर स्कूल प्रबंधन और एडवेंचर कंपनी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, क्योंकि वह स्कूल काफी विवादों में रहा है, वहां पर सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कोताही बरती जाती है। तो अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं जी आर सुधाकर, और जो बच्ची की सुरक्षा के नाम पर कोताही बरती जा रही है और लगातार विवादों में स्कूल रहा है, ये पता होगा पेरेंट्स को भी? पेरेंट्स वहां पर मौजूद हैं, पेरेंट्स ने भी फिर भी जाने दिया वहां पर? देखिए, एक एडवेंचर नाइट कैंप का आयोजन वहां पर हुआ था। हालांकि इसमें स्कूल प्रबंधन के साथ साथ आप एक हद तक पालकों की भी गलती मान सकते हैं, तो इतने ऐसे कर्तव्यों के लिए वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन मेन जो हमें पता चला है सूत्रों से, उसके मुताबिक इस एडवेंचर नाइट कैंप के लिए 1,000 रुपए जो बच्चे हैं उनसे लिया गया था, बच्चों से पैसा भी लिया गया और सुरक्षा के इंतजाम की बातें भी की गई, पर यहाँ पर सुरक्षा के कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, अगर इससे छोटी उम्र का कोई बच्चा होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। निश्चित तौर पर, क्योंकि बच्ची की जो उम्र है वो 11 वर्ष ही है, 25 फीट के नीचे से वो अगर गिरती है तो सोचिए आप क्या हो सकता था। हालांकि ये तो भगवान का खैर है कि उसको ज्यादा चोटें नहीं आई है, हालांकि उस समय गंभीर रूप से उसको भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। जो जिला शिक्षा अधिकारी और
जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो बच्ची को देखने पहुंचे थे, और देखने के बाद उन्होंने मामला दर्ज किया है। जो बच्ची के पिता है और जिला जिला शिक्षा अधिकारी है उनको भी यहाँ पर देखा गया था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें खबर आ रही है कि आज जिला शिक्षा अधिकारी नोटिस स्कूल प्रबंधन को दे सकते हैं कि क्यों ना आपकी मान्यता खत्म कर दी जाए। तो सीधे तौर पर मान्यता खत्म करने का जो मंथन है वो जिला शिक्षा अधिकारी के बीच चल रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, इस जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे।